भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास लिख जाते हैं। साइंटिस्ट का सबसे बड़ा योगदान रहता है, नो डाउट। साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स है, साइंस है, केमिस्ट्री है, तो हम हैं। हमारी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी इन्हीं के ही प्रिंसिपल्स पे वर्क करती है, फिजिक्स के ही प्रिंसिपल पे वर्क करती है। अगर ये ना होते तो आज हम यहां नहीं होते, अपने पूर्वजों की तरह रह रहे होते, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होता। आज हम बात करेंगे कैसे इंसान की जिन्होंने फिजिक्स को रेवोल्यूशनराइज कर दिया, ऐसे ऐसे सिद्धांत देके गए और इतनी जबरदस्त रिलेशन निकाल दिया इन्होंने कि इनका नाम तो इतिहास में दर्ज हो गया। हम बात कर रहे हैं माइकल फैराडे की। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए लेक्चर जो है वो दो पार्ट में रहेगा, ये उसका पार्ट वन है जैसा कि हमेशा मेरा लेक्चर रहता ही है। इस लेक्चर के रिगार्डिंग या किसी के भी रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो मेरे फेसबुक पेज से _education कनेक्ट पे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, मैं आपको क्विकली एक रिमाइंडर देना चाहूंगा कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स आज हम बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ने वाले हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से आप फिजिक्स को जानेंगे, किस तरह से फिजिक्स में डेवलपमेंट हुआ और फैराडे ने क्या किया। देखिए आइंस्टीन और न्यूटन के बीच के जीनियस हैं ये, बहुत सारे जीनियस आए, लेकिन मैक्सिमम अगर लोगों से पूछेंगे कि कौन बहुत बड़े साइंटिस्ट है तो मैक्सिमम लोग या तो आइंस्टीन बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, जो कि बहुत हद तक सही नहीं है। ऐसे इतने जबरदस्त जीनियस आए हैं आइंस्टीन के ही लेवल के, या उससे उनसे ज्यादा भी, हाँ बहुत मायनों में उनसे ज्यादा भी। मैं ये भी बताऊंगा कि आइंस्टीन ने एक्चुअली ऐसा क्या किया जो उनको इतना महान साइंटिस्ट माना जाता है। यकीनन वो बेहद महान है, लेकिन कुछ एक साइंटिस्ट ने दुनिया बदल के रख दी, फैराडे उनमें से एक है। फैराडे पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दरवाजे खोल दिए फिजिक्स के। इन्हीं के ही थ्योरी पे बेस पे आइंस्टीन ने अपनी आगे की रिसर्च की और लाइट की स्पीड और लाइट की थ्योरी और पूरी की पूरी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इस पे दी, वो हम देखेंगे, वो हम बाद में आएंगे तो सारी चीजें देखेंगे। तो हम क्या देखने वाले हैं, इनका चाइल्डहुड, बहुत ही दर्दनाक चाइल्डहुड रहा है। देखिए साइंटिस्ट का जीवन बहुत ही मतलब अच्छा नहीं होता है, उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ता है और उस जमाने में तो बहुत ही हालत खराब थी। अब तो देखिए काफ़ी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास नेटवर्किंग है ज़बरदस्त, और वो नेटवर्किंग किसकी देना है, फैराडे की ही देना है। फैराडे की ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज़ करके हम पूरी की पूरी चीज़ों को हैंडल करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, पूरा का पूरा इनका सब सजाया हुआ है, ठीक है। तो उस समय लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, तो आप सोच सकते हैं जीरो से स्टार्ट करना पड़ता होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, कुछ नहीं, कोई लैब नहीं, बड़ी दिक्कत थी। बहुत ही ज़बरदस्त चाइल्डहुड रहा है, बहुत ही मोटिवेटिंग स्टोरी है, स्ट्रगल जबरदस्त किया इन्होंने, देखेंगे, और किस तरह से ये ग्रेट साइंटिस्ट बने वो भी देखेंगे। तो सारी चीजें देखने वाले हैं हम, फिजिक्स बहुत पढ़ने वाले हैं, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है भैया अप्लाइड फिजिक्स। मैं खुद भी फिजिसिस्ट हूं तो बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे टॉपिक्स आते हैं, और वैसे भी मैं अब कुछ साइंटिस्ट, कुछ महान साइंटिस्ट की सीरीज शुरू करने वाला हूं जिसमें से माइकल फैराडे पहले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चाइल्डहुड देखते हैं। देखिए इनका चाइल्डहुड जो है ना वो बहुत ही खतरनाक रहा है, बहुत ही बुरा और बहुत ही ट्रोमैटिक रहा है। माइकल फैराडे का जो जन्म था वो 22 सितंबर को हुआ था 1791 में। मुझसे लाइन कभी सीधी खिंचती ही नहीं, पता नहीं क्यों, 1791 में उनका जन्म हुआ था, ठीक है। इंग्लैंड है, इंग्लिश फिजिसिस्ट है, ठीक है, और न्यूविंटन बर्ट्सविच में रहते थे। इनके पिताजी जो थे जेम्स फैराडे, और इनकी जो माताजी थी मार्गरेट हैसवेल, ठीक है, वो मतलब इनके पेरेंट्स थे, लेकिन यहां पे है ट्विस्ट, बेहद गरीब थे। माइकल फैराडे का जन्म बहुत ही पुअर फैमिली में हुआ था, स्लम में हुआ था, वो स्लम में पैदा हुए थे। माइकल फैराडे ने एक इंसिडेंट में यह बताया है कि मुझे एक ब्रेड का टुकड़ा मिलता था और दो तीन दिन तक चलाना पड़ता था क्योंकि हमारे पास खाने तक को पैसा नहीं था। इतनी बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी, बहुत ज्यादा, ठीक है। स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो माइकल फैराडे ने बहुत जबरदस्त कोई ऐसी खास स्कूलिंग की नहीं है, उन्होंने स्कूल में पढ़े ही नहीं है, ही वॉज नॉट एजुकेटेड एट ऑल। So will you, could you believe it? मतलब एक साइंटिस्ट जिसने पढ़ाई नहीं की, जिसने कभी स्कूल अटेंड ही नहीं किया, वो एक वैज्ञानिक बन जाता है। इससे ये साबित होता है कि काबिलियत पे भरोसा करना चाहिए। इन्होंने सिर्फ पढ़ाई की, इन्होंने सिर्फ बुक्स पढ़ी, ठीक है, और उसी पे ही पूरा का पूरा बेस तैयार किया, ठीक है, उसी हिसाब से, ठीक है। कोई इनके पास डिग्री नहीं थी, कोई इनके पास ट्रेनिंग नहीं थी। इसके काफी ड्रॉबैक भी हुए, इसका मतलब ये नहीं भैया कि स्कूल छोड़ के घर बैठ जाओ, कॉलेज वाले छोड़ के, बहुत बड़े ड्रॉबैक्स भी थे, वो हम देखेंगे क्या क्या ड्रॉबैक्स थे, ठीक है। स्कूल का कुछ ऐसा था कि जब माइकल फैराडे बहुत छोटे थे, 13 साल के थे, तो वो आर को फ बोलते थे, मतलब र को फ बोलते थे, तो उनकी टीचर ने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि माइकल फैराडे मैम, ठीक है। तो इससे बड़ी इनको डांट पड़ी, टीचर ने सोचा कि इनका मजाक उड़ाना है, तो बड़ा डांट पड़ी।
इतने में क्या हुआ, पनिशमेंट भी मिली इनको, इतने में क्या हुआ, इनकी माताजी आती है और इनको निकाल के ले जाती है स्कूल से। उसके बाद इन्होंने कभी भी स्कूल अटेंड किया ही नहीं। पारिवारिक हालत भी बहुत खराब थी। जेम्स फैराडे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती थी, बहुत बीमार थे, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक पॉइंट पे क्या होता है कि इंसान एक एक ऐसा पॉइंट आता है उसके जीवन में जब वो बहुत ब्रेक हो जाता है। हालांकि मैं नहीं चाहता हूं किसी के जीवन में ऐसा है, लेकिन आता है, जो उसको सर्वाइव कर गया वो फिर बहुत ऊपर उठता है, ठीक है। माइकल फैराडे ने ऐसा ही किया, लोएस्ट पॉइंट पे थे वहां से उठे वो। तो फिर उसके बाद फाइनली माइकल फैराडे जो हैं, तीसरे चाइल्ड हैं, चार बच्चे होते हैं जेम्स फैराडे और मार्गरेट हैसवेल के, ठीक है, और ये तीसरे बेटे थे। और बहुत ही बेसिक एजुकेशन, जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पढ़े थे ही नहीं, 13 साल की उम्र में इनको निकाल दिया गया था। अब उसके बाद भैया पैसे तो कमाने हैं, घर तो चलाना है, कोई इतने अमीर तो है नहीं, क्या करेंगे, न्यूज़पेपर बेचो, न्यूज़पेपर बेचे, बुक बाइंडिंग की, अलग अलग काम किए, डिलीवरी बॉय बने, ताकि घर का किसी तरह खर्चा चले। APJ अब्दुल कलाम, बिल्कुल जैसा उनका भी रिव्यू किया है, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है, जरूर देखिएगा, ठीक है, StudyIQ पे जरूर टाइप करिएगा और उनके बारे में भी जानिएगा, उनका भी मैंने किया है, ठीक है। तो ये चीज थी। और एक चीज और बताना चाहूंगा, माइकल फैराडे जो थे ना, बहुत ही ऑनेस्ट बंदे थे। मतलब ऐसा कुछ हिसाब किताब था कि इनकी ऑनेस्टी के सब दाद देते थे। जहां पे भी ये काम करते थे बोलते थे कि भाई लड़का हो तो ऐसा, ठीक है, तो एकदम आइडियल इंसान थे। अब देखते हैं, देखिए कोई इनके पास अर्ली एजुकेशन नहीं थी। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम, चलिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। फिजिक्स जो है ना वो दो पार्ट में है। अगर पूरी आप फिजिक्स को, वैसे फिजिक्स का सिंपल अगर है पूछे तो क्या है, तो इसके एक ही आंसर है कि स्टडी ऑफ द यूनिवर्स, खत्म। हम पूरी यूनिवर्स, पूरी कॉस्मोस को जो स्टडी करते हैं लॉज और फॉर्मूलेज डिराइव करके, उसी को फिजिक्स कहते हैं, सीधी बात है, या है ना। तो फिजिक्स जो है वो दो में डिवाइडेड है, एक है एक्सपेरिमेंटल, एक है थ्योरेटिकल, जिसको प्रैक्टिकल भी कहते हैं एक्सपेरिमेंटल को, ठीक है। तो इन दो में फिजिक्स डिवाइडेड है। थ्योरेटिकल क्या है कि आपने बोल दिया मैं उड़ सकता हूं, ठीक है, कोई मानेगा नहीं, क्यों नहीं मानेगा, प्रूफ कहां है, या तो आप मैथमेटिकल इक्वेशन से प्रूफ करके बताइए। भैया मैथ्स क्यों बनाई गई, फिजिक्स के लिए ही मैथ्स बनाई गई है, आपको बता दूं, मैथ्स का जन्म ही फिजिक्स के लिए हुआ है, ठीक है, हथियार है फिजिक्स का वो। तो मैथ्स या तो आप मैथमेटिकल इक्वेशन देके प्रूफ करिए कि हम उड़ सकते हैं, नहीं तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। अब क्या होता है, जो थ्योरेटिकल डाटा आप करते हैं, वैसे दोनों एक ही पार्ट है, दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है। जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आप देते हैं, जो थ्योरेटिकल डाटा देते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जाता है। अगर वो एक्सपेरिमेंटली आपके थ्योरेटिकल डाटा और एक्सपेरिमेंट जो किया है, इन दोनों की वैल्यू सेम आई, इसका मतलब आपकी थ्योरी प्रूव हो गई, आप उड़ सकते हैं, नहीं आई तो नहीं उड़ सकते। तो ये कंसेप्ट है फिजिक्स का। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो माइकल फैराडे थे, उन्होंने कभी स्कूलिंग अटेंड नहीं की, और बाद में वो बहुत जबरदस्त थ्योरी की बात करने लगे जो बहुत लेटर ईयर में प्रूव हुई। लेकिन माइकल फैराडे प्रूव नहीं कर पाए थ्योरेटिकली, क्योंकि उनकी प्रॉपर स्कूलिंग नहीं थी। तो ये फर्क पड़ता है, वो मैथ्स में बहुत जबरदस्त नहीं थे, बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे, ठीक है। सबसे पहले तो हालांकि केमिस्ट हुए, वो बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट थे, लेकिन मैथ्स नहीं कर पाए। तो खैर हम अपने उस पे आते हैं, ठीक है। तो स्कूलिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो अब क्या होता था कि उनको 13 साल की उम्र में बुक बाइंडिंग का काम मिलता है, वो एज अ बुक बाइंडर काम करते हैं। अब डेडिकेशन देखिए आप, सुबह से शाम तक बुक बाइंडिंग, रात में पढ़ाई, इसी दौरान दिन रात पढ़ते हैं, बुकों के बीच रहते हैं। भगवान रास्ता बना देता है, रेवोल्यूशन अपने आप चलता है, एवोल्यूशन अपने आप चलता है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हर किसी के लिए प्लान्स होते हैं, तो दिन भर काम, रात में बुक पढ़ते हैं। आइसक वॉट्स की एवरीथिंग दैट द थिंग्स विच कैन चेंज योर माइंड, इम्प्रूवमेंट ऑफ द माइंड, सॉरी इम्प्रूवमेंट ऑफ द माइंड बुक का नाम है। तो ये बुक पूरी तरह वो पढ़ने लगे, और इस बुक का मतलब सबसे जो पसंद आई थी और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इस बुक से हुए थे हमारे माइकल फैराडे। आगे देखते हैं, तो काफी बुक पढ़ने लगे, काफी चीजें देखने लगे, फिजिक्स में इनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, साइंस में इनका इंटरेस्ट डेवलप होने लगा, रीजन करने लगे। अब भैया लंदन और इंग्लैंड में तो भैया वो तो साइंटिस्ट का घर था, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, ये भैया हर किसी को पता थी, उस समय बहुत जाना माना नाम था। तो ये जो थे
लेक्चर सुनने जाते थे, हम्फ्री डेवी और भी बहुत साइंटिस्ट थे, ये बहुत बड़े केमिस्ट थे, क्या अचीवमेंट थी इनकी, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, थोड़ा आप भी सर्च करिए, ठीक है। ये बहुत बड़े समय जाने माने केमिस्ट थे, इनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, वन ऑफ द आइडियल्स थे। तो एक दिन क्या होता है, 300 पेज की बुक भेजते हैं उन्हें, और उन्होंने जो लेक्चर्स दिए होते हैं उनकी एक पूरी की पूरी नोटबुक बनाई होती है। इससे बड़े प्रभावित हो जाते हैं हम्फ्री डेवी। अब हम्फ्री डेवी जो होते हैं, एक दिन क्या होता है, हम्फ्री डेवी केमिस्ट थे। अब केमिस्ट्री में क्या होता है कि हमेशा एक्सपेरिमेंट्स वहां पे ऑलवेज चलते रहते हैं, सॉल्ट एनालिसिस और भी बहुत सारी चीजें। तो एक दिन एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, ब्लास्ट होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होती है बहुत जबरदस्त, और उनकी आंखें चली जाती हैं उस एक्सीडेंट में, काफी डैमेज पहुंचता है उनकी आईसाइट को। तो इसकी वजह से क्या होता है, हम्फ्री डेवी बुलाते हैं फैराडे को, अपना असिस्टेंट बनाते हैं। अब ये उस समय किसी रिवॉर्ड से कम नहीं था, क्योंकि आइडियल के पास वो रह रहे थे, अपने आइडल के पास, और सेक्रेटरी बनते हैं माइकल फैराडे। काम उनका क्या होता है, जो हम्फ्री डेवी पहले करते थे वो अब माइकल फैराडे करते हैं। नोट्स और जो भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आता है वो पूरा का पूरा नोट करते जाते हैं, और बाद में एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं। तो फैराडे पहले एज अ केमिस्ट बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, काफी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो केमिस्ट्री में, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डिफरेंट बेसिस, डिफरेंट एसिड्स, काफी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट करते हैं। बाद में ये बोला जाने लगा कि हम्फ्री डेवी की सबसे बड़ी डिस्कवरी जो थी वो तो माइकल फैराडे थी। तो ये बाद में जब हम्फ्री डेवी खुद सुने ये बात, तब उनको दिमाग खराब होने लगा, उसके बाद जलन की भावना स्टार्ट हो गई। उस पर हम थोड़ी देर बाद में आएंगे, फिलहाल हम ये देखते हैं कि देखिए माइकल फैराडे एक बहुत ही सिंपल इंसान थे, जिस इंसान ने कभी अमीर, मतलब कभी भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देखा, कोई लग्जरी नहीं देखी, तो डाउन टू अर्थ बहुत ही ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे। अब इंग्लैंड में आप जानते ही हैं भैया, पता नहीं अपने आप को कहाँ का 30 मार्का समझते हैं, सब कुछ के आगे रॉयल लगा देते हैं, रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नेवी, रॉयल एक्सेंट, गोरे हैं तो बस ठीक है। तो प्रॉब्लम ये थी, माइकल फैराडे ऐसे बिल्कुल नहीं थे। देखिए काफ़ी वहाँ पे मतलब मैनर्स और आपके एडिकेट्स को बहुत ज़्यादा बल दिया जाता है, आप पब्लिक में बिल्कुल भी डकार नहीं ले सकते, यू कैन नॉट बप बिल्कुल भी, अगर आप ज़रा सा भी ऐसा कुछ करेंगे वो बिल्कुल आपको डिस्कार्ड कर देंगे, एकदम हटा ही देंगे, ठीक है। तो इस तरह का इंग्लैंड में मतलब कल्चर है, ठीक है, जो कि बिल्कुल ठीक है, अपने अपने कल्चर होते हैं, अपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो फैराडे इसमें बिल्कुल फिट नहीं बैठते थे। हम्फ्री डेवी के साथ वो वर्ल्ड ट्रैवल करते थे, प्रॉब्लम होती थी, यूरोप ट्रैवल करते थे तो वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, वैले नहीं आया था, वैले कौन होता है, कमाल की चीज़ होती है वैले, चलिए भी कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ज़बरदस्त इंसान, ठीक है, वैले नहीं, माइकल फैराडे को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होता है कि माइकल फैराडे जो हैं वो मतलब थोड़ा सा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, चलिए वैले की मीनिंग मैं बता देता हूँ, ये आपसे नहीं पूछूंगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वैले मतलब होता है वो इंसान जो कि क्लीनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो गाड़ियों को पार्क करता है, जैसे आप बड़ी बड़ी जब जगहों पे जाएंगे तो आप खुद पार्क नहीं करते, वहाँ पे वैले होता है, आप उनको दे दीजिए, मतलब इंसान, ठीक है, उनको वैले कहते हैं, आप दे दीजिए आराम से वो आपका काम करेंगे। तो भैया माइकल फैराडे को ये काम करना पड़ता था, बहुत दुख होता था माइकल फैराडे को, बहुत ज़्यादा दिल पे नहीं लेते थे, लेकिन फिर भी हालांकि कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन एक चीज़ है, उनकी जो वाइफ थी हम्फ्री डेवी की, वो बहुत बुरा बर्ताव करती थी माइकल फैराडे के साथ। वो क्या करती थी, वो बिल्कुल इनको इक्वल ट्रीट नहीं करती थी। अगर ये खाना खाते थे साथ में बैठ के, टेबल में बैठ के खाना खाने की इजाज़त नहीं थी, अगर वो एक वैन में जा रहे हैं तो माइकल फैराडे दूसरी वैन में जाएंगे, तो हम्फ्री डेवी की वाइफ बड़ा इनसे डिस्क्रिमिनेट करती थी। तो ये सारी चीज़ें थी, खैर कोई बात नहीं, जब तक इंसान महान नहीं बनता, अपने आप को प्रूव नहीं करता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जो कि बहुत ही गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं कब कौन क्या कर जाए। तो फैराडे जो है वो फाइनली सैरा बर्नार्ड से शादी करते हैं, ठीक है, ये अरेंज कम लव मैरिज होती है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सैरा बर्नार्ड से शादी के बाद, ठीक है। और सैंडेमेनियन चर्च, देखिए सैंडेमेनियन होते हैं, बहुत ही माइनॉरिटी क्रिश्चियन ग्रुप होता है, माइनॉरिटी में होता है, तो एक छोटा सा ग्रुप होता है, तो सैंडेमेनियन होते हैं ये, पूरा अच्छे से शादी होती है और बहुत ज़्यादा प्यार होता है दोनों में। आगे देखते हैं, देखिए अब हम सीधे कूदते हैं फिजिक्स के ऊपर। ओर्स्टेड ने पहले ही ये डेवलप कर दिया था कि भैया देखो, इलेक्ट्रिक करंट जो है अगर उसको एक कंडक्टर में दौड़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड, द करंट अराउंड ए स्पेस कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, सॉरी द फील्ड अराउंड ए स्पेस कैरिंग कंडक्टर।
क्या बोल रहा हूं मैं, लगता है मेरी भी आजकल स्लिप ऑफ टंग बहुत ज्यादा होने लगी है। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली तो डेफिनेशन है द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब जैसे ही आप कंडक्टर में देखिए, मटेरियल्स तीन में डिवाइड होते हैं ना, आपको पता है, कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। इसकी फिजिक्स में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बता देता हूं, इसको डिवाइड इनके बैंड गैप के हिसाब से किया जाता है। बैंड गैप क्या होता है, देखिए, डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, डिफरेंट इन एनर्जी, डिफरेंस इज एनर्जी। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा जाता है। ये ठीक उसी तरह, मान लीजिए आपके पड़ोस की दीवार बिल्कुल जुड़ी हुई है, तो आप आसानी से जंप करके दूसरी दीवार पे, मतलब दूसरे घर में चले जाएंगे। क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल चली गई पड़ोसी की, तो आराम से चले जाएंगे। तो वो होते हैं कंडक्टर, जिनका बैंड गैप बहुत ही कम होता है, होता ही नहीं है, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, जो रूम टेम्परेचर पे, तो जिनका बैंड गैप होता है, लेकिन जरा से आप एनर्जी दीजिए तो बैंड गैप बहुत कम हो जाता है, मतलब कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। इंसुलेटर जिनका बैंड गैप बहुत ज्यादा होता है, भैया खंबे पे लगे रहते हैं ना, तभी तो चिपकते नहीं है, ठीक है। तो ये कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी की पूरी नेटवर्किंग और इंटरनेट और कंप्यूटर और मोबाइल पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर से चलती है। मदरबोर्ड सिलिकन सेमीकंडक्टर है वो, ठीक है। तो इस तरह का होता है। तो अब क्या होता है कि आप किसी भी कंडक्टर में, कंडक्टर यानी कि कॉपर, सिल्वर इज अ, चांदी बहुत अच्छा होता है, आपके तार में कॉपर होता है ना, बहुत जबरदस्त तरीके से करंट दौड़ता है, उससे अच्छा चांदी होता है, लेकिन चांदी क्यों नहीं लगाते, सिल्वर इसलिए नहीं लगाते, वरना भैया तार खोल खोल के सब सिल्वर निकाल लेंगे, ठीक है। तो सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर, ठीक है। तो अब कंडक्टर में आप करंट दौड़ा दीजिए, ये स्पेस जो है, मतलब एक फील्ड टाइप की इस कंडक्टर के अराउंड डेवलप हो जाएगी, जिसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये ओरस्टेड ने डेवलप किया था एक्सपेरिमेंट करके, निडल। अब उसी को कंटिन्यू किया आगे माइकल फैराडे ने, दो सोलेनाइड लगाए, करंट दौड़ाया, निडल जो है वो डिफ्लेक्ट हुई। देखिए, निडल का डिफ्लेक्शन क्या ये दर्शाता है, ये दर्शाता है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक कंपोनेंट प्रेजेंट है। क्या होता है कि अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता है, इसीलिए जो कॉस्मिक रेज है ना, यहां पे नहीं आ रही है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह, मतलब जो हमारा अर्थ का जो कोर है अंदर, आपको पता है ना कि अर्थ में सेंट्रल कोर है, वो घूम रहा है तो फील्ड डेवलप हो रही है आसपास, जिसकी वजह से बाहर की जो हार्मफुल रेज हैं, कॉस्मिक रेज, वो यहां पे आ नहीं पा रही है। तो अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से कंपास पूरा का पूरा काम करता है। देखिए, ये बहुत जरूरी है समझाना, आगे की चीजों को समझाने के लिए, ठीक है। तो और बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बता रहा हूं, ठीक है। तो ये चीज है। तो इसी तरह अगर निडल घूमी तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो माइकल फैराडे ने बोला, ये तो एक क्रांति हो जाएगी अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मिला दिया। भैया उस समय ऐसा नहीं था, 3 साल फेल हुए, फाइनली इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ, इनको बड़ी फेम मिली, धीमे धीमे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। इन्होंने प्रूव कर दिया कि आराम से, मतलब जो जब भी कोई, मतलब एक वे खोल दिया उन्होंने कि जब भी अगर आप कंडक्टर में करंट दौड़ाएंगे या फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है। ये थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन होगी, अभी मैं आगे आपको समझा दूंगा, ठीक है। जब भी व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड ईएमएफ विल बी जनरेटेड। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, ठीक है। तो इस तरह से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है, कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है। बहुत बड़ी डिस्कवरी थी ये, क्योंकि उसी की वजह से भैया हमारा इंटरनेट काम करता है। कैसे काम करता है, लाइट की स्पीड से आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है वो चलती है ना, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहां से आया, E/B, इसी को तो कहते हैं ना, जिसका 1/√μ0ε0, ये पूरा रिलेशन है। और इसकी वैल्यू होती 3×10⁸। अब मैं डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, खैर थोड़ा मैं जज्बाती हो गया हूँ एक्चुअली फिजिक्स को देख के, लेकिन ये आपको समझना बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए कि चीजें कैसे काम करती हैं, ठीक है। और फैराडे भी यही चाहते थे कि हर किसी को पता हो कि चीजें कैसे काम करती। तो जब भी वो कोई एक्सपेरिमेंट उनका सक्सेसफुल होता था तो वो डेमोन्स्ट्रेट भी करते थे बच्चों को, स्पेशली वो जो युवा थे उनको बिल्कुल ये बताना चाहते थे कि भैया देखो, फिजिक्स जरूर पढ़ो। और वो हमेशा ये बोलते थे कि ये बहुत जरूरी है आगे के क्रांति या फिर एक फील्ड की क्रांति के लिए और देश को डेवलप करने के लिए। तो काफी डेमोन्स्ट्रेट भी करते थे, ठीक है, अपने इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट को। तो इस तरह से था। तो फाइनली उनको एक बहुत ही जबरदस्त रिलेशनशिप मिलती है, ठीक है। शुरू में तो काफी फेल होते हैं, हम्फ्री डेवी की भैया फिर वहां के नासूर बन जाते हैं, वो बोलते हैं ये तो बहुत गलत बात है, तो एक काम करो अब तुम माइकल,
ऑप्टिकल वुड्स में लग जाओ, ऑप्टिकल ग्लासेस को इम्प्रूव करने में लग जाओ। अरे भैया ऑप्टिक्स बिल्कुल अलग ब्रांच है, माइकल फेराडे को इसका ओ भी नहीं आता था कि ये है क्या, वहां पे इन्होंने लगा दिया जबरदस्त फ्रेल। देखिए ऑप्टिक्स जो ब्रांच होती है वो लाइट से डील करती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन, मिरर में कैसे बिहेव करेगी, लेंस में कैसे बिहेव करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, तो इस तरह से होती है। ठीक है, तो वो अलग बिल्कुल ब्रांच है, कहां इलेक्ट्रिसिटी कहां ऑप्टिक्स, 3-4 साल इसमें लगे हुए, क्वालिटी को बिल्कुल इंप्रूव करने में लगे हुए, लेकिन बिल्कुल फेल हुए, कुछ भी इनको नहीं मिला, कोई भी जबरदस्त रिफ्लेक्टिंग ग्लास नहीं मिला, जो बहुत ही प्रॉब्लम की। तो गुस्से में आके इन्होंने क्या किया था कि एक अपने अपने फेल्ड सोवेनियर के तौर पे एक ग्लास का ब्रिक रख लिया था इन्होंने अपने पास, है ना, क्योंकि ऑप्टिक्स पूरा का पूरा ग्लासेस से काम करते थे और इनकी आईसाइट को भी, इनकी हेल्थ भी बहुत डिटोरिएट हुई, क्योंकि जब कांच में, कांच से अगर आप काम करते हैं तो बहुत ही डेंजरस होता है वो, ठीक है, आपकी आईसाइट के लिए और आपकी हेल्थ के लिए भी, काफी अलग अलग रीजंस होते हैं। ठीक है, तो ये बड़ी दिक्कत हुई, तो 4 साल अगेन वो काफी इसमें फेल हुए। अब इसीलिए ही जैसा कि मैंने बताया कि हम्फ्री डेवी का ये सब किया धरा था, लेकिन जब हम्फ्री डेवी की डेथ हुई तब वो एक स्टेप आगे चले गए। कैसे आगे चले गए, अपने एक्सपेरिमेंट उन्होंने फुल स्विंग में स्टार्ट कर दिए इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, ये बहुत बड़ा बूस्ट मिला। देखिए जो भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो ये बोलते हैं, और मैं भी यही मानता हूं, वैसे मैं बहुत बड़ा साइंस, मैं तो कुछ नहीं हूं वैसे अगर आप देखा जाए, लेकिन एक कोई यूनिफाइड थ्योरी होनी चाहिए। स्टीफन हॉकिंग भी यही मानते थे, ठीक है, स्टीफन हॉकिंग गजब के इंसान, अभी उनका स्वर्गवास हुआ और क्या क्या बात कही, मैंने उनका रिव्यू किया हुआ है उनकी बुक का, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, कितने सिंपल तरीके से उन्होंने बताया है कि ब्लैक होल क्या है, टाइम क्या है, लाइट की स्पीड क्या है। देखिए मैं आपको बहुत ही जबरदस्त रिलेशन बताता हूं, हर चीज, हर फोर्स कनेक्टेड है लाइट की स्पीड से, आइंस्टीन को इसीलिए इतना महान माना जाता है। आइंस्टीन के दो पोस्टुलेट में से एक है कि कुछ भी कॉन्स्टेंट नहीं है, न्यूटन ने बोला था कि स्पेस टाइम जो है ना वो कॉन्स्टेंट है, जैसे कि मान लीजिए आप चद्दर है, आप चद्दर पकड़ लीजिए, आप उसमें अगर पत्थर डालेंगे बीच में, मान लीजिए चार लोगों ने चद्दर पकड़ी हुई है, बेडशीट पकड़ी हुई है, उसके बीचों बीच पत्थर डाला, न्यूटन ने कहा था वो पत्थर बिल्कुल एक, जो चादर है आपकी वो बिल्कुल एक पत्थर की तरह है, मतलब कुछ नहीं होगा, वहीं पे जाके गिरेगी। आइंस्टीन ने बोला नहीं, जब तुम पत्थर डालोगे बीच में तो वो स्ट्रेच होगी ना, अंदर स्ट्रेच होगी, तो आइंस्टीन ने बोला कि ये स्ट्रेचिंग है, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है, तो फ्लेक्सिबल यूनिवर्स है बेसिकली ये। तो उनका पहला पॉस्टुलेट ये था कि कुछ भी रेस्ट पे नहीं है, दूसरा पॉस्टुलेट भैया 3×10⁸ मैक्सिमम, इससे तेज कुछ नहीं, हालांकि ये थ्योरी बहुत जल्द गलत होगी, आप अभी देख लेंगे, है ना, कुछ भी फिजिक्स में रेवोल्यूशन आने में थोड़ा टाइम लगता है, ये थ्योरी गलत होगी, ठीक है, तो ये चीज बोली थी। तो यूनिफाइड थ्योरी एक चाहते हैं हर साइंटिस्ट, माइकल फेराडे भी चाहते थे कि कोई एक यूनिफाइड थ्योरी मिले हमको, एक ऐसी थ्योरी जो सब कुछ एक्सप्लेन कर दे, ठीक है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और हर कोई फोर्स एक ही सिंगल उसमें मतलब फिट हो जाए, और जबरदस्त तरीके से, हालांकि काफी हद तक ये करने में कामयाब भी रहे थे, ठीक है। अब ये क्या सोचने लगे कि चलो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का हमने रिलेशन बता दिया। देखिए इनकी जो इक्वेशंस हैं माइकल फेराडे की, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का हमने रिलेशन बता दिया, अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, लाइट की स्पीड को इससे कंबाइन कर दो, पीछे चला गया यार लाइट की स्पीड से, वो भी लाइट की स्पीड को इससे कंबाइन कर दो, लाइट की स्पीड को अगर इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक प्लस लाइट, अगर लाइट इससे इफेक्ट हो रही है क्रांति आ जाएगी, हालांकि ये बहुत बाद में प्रूव किया था जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने और आइंस्टीन ने, तो फिर उसको बहुत ही आगे ले गए, ठीक है, तो भैया बहुत बड़ी क्रांति आ जाएगी, लेकिन अगेन वो इसको मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर पाए। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल बहुत जबरदस्त मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसको मैथमेटिकली प्रूव करके गिफ्ट किया था माइकल फेराडे को, ठीक है, तो जब उनसे बोले कि अच्छा एक बात बताओ इसको प्रूव कैसे करोगे, कैसे प्रूव करोगे, तब उन्होंने बोला कि मैं प्रूफ कर लूंगा, और बाद में उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया और बहुत कायदे से प्रूफ किया, इसकी भी बात हम अच्छे से किस तरह से एक्सपेरिमेंट इन्होंने सेट किया था वो हम अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस चीज की भी, ठीक है। तो माइकल फेराडे क्या होता था कि अर्थ को भी एक जायंट मैग्नेट मानते थे, वो बोलते थे कि अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड है और ये हर जगह है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है मैं आपको बताता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएटेड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो कि पॉजिटिव पे शुरू होती हैं और नेगेटिव पे खत्म होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे खत्म कहीं पे एंड नहीं होती है, ठीक है,
तो ये बेसिकली क्लोज्ड लूप बनाती हैं, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, तो ये इनविजिबल होती हैं। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो उससे रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी प्रोड्यूस होगी। सिंपल सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी, ठीक है। तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखते थे और इसी को ही बेस बना के उन्होंने पहला इलेक्ट्रिक डायनमो बनाया। देखिए इलेक्ट्रिक मोटर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये जो इलेक्ट्रिक डायनमो है इसको इस पे क्या होता है कि ऑलरेडी वो बता चुके थे कि नेडल अगर मूव करेगी तो उससे मतलब अगर करंट जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर में तो मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो उसी का एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके छोटा सा इलेक्ट्रिक डायनमो, पूरा का पूरा मैं नहीं बताऊंगा, देखिए इलेक्ट्रिक डायनमो जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर मशीन में होता है, मोटर हर मशीन में होती है भैया, जो भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ठीक है। तो उसको इन्होंने एक्सपेरिमेंटली दिखाया, ठीक है। वो काम कैसे करता है, देखिए क्या होता है कि जैसा कि मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, अगर ये कोई आपका सरफेस है जैसा आपका आपकी जमीन है, अगर ये ऐसे फॉल कर रही है परपेंडिकुलर या 90 डिग्री सरफेस पे फॉल कर रही है तो उसको कहते हैं फ्लक्स, जिस पे हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। ट्रांसफार्मर होता है ना, फ्लक्स पे ही काम करता है, इसीलिए हमको बिजली मिलती है, ठीक है। तो जब भी इस फ्लक्स, ये लाइन कभी भी अगर चेंज होती है तो हमेशा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको ईएमएफ या वोल्टेज अगर मोटे मोटे तौर पे बोल दूं, हालांकि इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है, लेकिन अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बोल दूं तो बिजली मिलती है, ठीक है। तो इस तरह से होता है, जिसका मैं मैथमेटिकल प्रूफ आपको अगले पार्ट में जरूर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज की, तो इसका उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट भी किया और काफी इससे समृद्धि भी मिली और फाइनली वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक करने में कामयाब हो गए, यानी कि आने वाले जो साइंटिस्ट थे उनके लिए बहुत बड़ा काम कर गए माइकल फैराडे, इसीलिए इनको बहुत याद किया जाता है। दूसरी बात क्या है कि काफी इंस्ट्रूमेंट इसी पे ही काम करते हैं। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो ये मेरे पहले पार्ट का एंड है। देखिए फिजिक्स बहुत ज्यादा हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, चीजें मालूम होनी चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर मैं साइंटिस्ट के लेक्चर का रिव्यू करूंगा तो उसमें फिजिक्स बहुत होंगी, मतलब जिस चीज से रिलेटेड उसने काम किया होगा, जो भी बायोग्राफी में जिस भी चीज से रिलेटेड काम करता है मैं वही बताता हूं। तो कोई कंप्लेन मुझे ना करे कि सर फिजिक्स बहुत बता दी, ये बहुत बता दिया, कुछ इंप्रूव करना है तो जरूर बताइएगा, लेकिन प्लीज ये कंप्लेन मत कीजिएगा कि बहुत ज्यादा फिजिक्स हो गई, क्योंकि थोड़ा आप सोचिए कि ये बहुत जरूरी है, यही उनका काम है। इनकी लाइफ तो ठीक है, लेकिन जो इन्होंने काम किया है अगर मैं वही नहीं बताऊंगा तो फिर वो कैसे चलेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको सोचिएगा, और एक इंटेलेक्चुअल वही होता है दोस्तों जो हर एक चीज को ग्रहण करे, सारे ज्ञान को ग्रहण करे। भैया फिजिक्स को तो सबसे पहले समझ लो, ये समझ गए ना तो सब चीज समझ जाओगे, क्योंकि बड़ी आसान होती है, ठीक है। तो ये मेरे लेक्चर का एंड है। कोई भी क्वेरी हो मेरे फेसबुक पेज पे जरूर पूछिए, मैं आंसर करूंगा कुछ भी हो, ठीक है। तो पढ़ते रहिए फिर बहुत अच्छे से, और देखिए कितनी बढ़िया बात लिखी हुई है कि नथिंग इज टू वंडरफुल टू बी ट्रू इफ इट बी कंसिस्टेंट विद द लॉज ऑफ नेचर एंड इन सच थिंग एज दीज एक्सपेरिमेंट इज द बेस्ट टेस्ट ऑफ सच कंसिस्टेंसी। थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट नहीं थे ना, तभी वो बोलते थे भैया एक्सपेरिमेंट करो, हर एक चीज सारी कंसिस्टेंसी सारे लॉज ऑफ नेचर प्रूव हो जाएंगे। लॉज ऑफ नेचर क्या है, फोर्सेज जो हैं, कितनी तरह की फोर्सेज होती हैं, अच्छा तीन तरह की होती हैं, नाम बता सकते हैं, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइएगा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट कौन सी होती है, मैं अगले पार्ट में जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये मेरे लेक्चर का एंड है, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पार्ट टू बहुत ही जल्द हाजिर होगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, शेयर जरूर कर देना, थैंक यू सो मच।